दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023। दोस्त आपके बीच में लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि भैया आज पीएनपी गए थे, वहां पर क्या कुछ सूचनाएं निकल कर आई हैं, बिल्कुल इस वीडियो में हम साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए आपके बीच में सबसे ऊपर कहा जा रहा है संपूर्ण जानकारी पीएनपी के अनुसार, बिल्कुल डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन के संदर्भ में आज का जो है वीडियो आपके बीच में जा रहा है उसमें संपूर्ण जानकारी जो भी पीएनपी के अनुसार निकल कर आई है हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं। उससे पहले यहाँ देख पा रहे हैं आपके बीच में नंबर दिया जा रहा है 94 52 33 10 53। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है डीएलएड के संदर्भ में तो बिल्कुल आप इस नंबर के माध्यम से अपनी बातों से अवगत करा सकते हैं। मैंने आपके लिए व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हुआ है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो बिल्कुल आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां एक सूचना मैं और आपको बताऊं कि कल सुबह 7 बजे आपके बीच में लाइव प्रसारण सीधे तौर पर प्रसारित किया जाएगा। आपके जो भी कन्फ्यूजन्स रहेंगे आप इस लाइव सेशन में भी अपने कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लाइव सेशन में जुड़ेंगे और अपनी समस्याओं को अवगत कराएंगे, हम एक एक का रिप्लाई करते हुए आगे की तरफ सेशन को ले चलेंगे। याद रखिएगा कल सुबह 7 बजे, ठीक है। चलिए यहाँ सबसे पहले आप देख पा रहे हैं आपके जो आज माननीय जो है पीएनपी के अनुसार जो है माननीय सचिव जी के अनुसार जो बातें निकल कर आई हैं, बहुत ज़्यादा का समय उनके पास नहीं दिए, महज 2 से 3 मिनट का समय मिला, ठीक है। उस 2 से 3 मिनट में क्या कुछ कितनी बातें हुई हैं इस वीडियो में आप देखिएगा। सबसे पहला यहाँ पूछा गया कि अलॉट कॉलेज को चेंज कैसे करें, ठीक है, या अलॉट कॉलेज को कैसे बदलें। आपको मैं अगर बताऊं तो मैंने जिस दिन आपका कॉलेज अलॉटमेंट जारी हुआ था उसी दिन मैंने आपको इन्फॉर्म किया हुआ था और आपके कॉल्स भी आ रहे थे कि भैया हम अपने कॉलेज से संतुष्ट नहीं हैं, जो कॉलेज मुझे चाहिए था वो कॉलेज नहीं मिला, कोई और मिल गया है। तो मैंने आपसे कहा था जब भी आप कॉलेज को लॉक करिएगा वरीयता आप पहले उसी कॉलेज को दीजिएगा, ठीक है। जैसे जाहिर सी बात है आप पहले चरण के फर्स्ट फेज में चल रहे थे, ठीक है, यानी फर्स्ट काउंसलिंग में जब आप चल रहे थे 1 से 20 हज़ार तक, तो मैंने आपसे कहा था यार कॉलेज न मिले तो कोई दिक्कत नहीं, बट आप उसी कॉलेज को लॉक करिएगा जिसे आप चाहते हैं। कुछ लोगों ने मेरे कहने के अनुसार किया भी लेकिन कुछ लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों ने नहीं किया उनके पास यही समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं कि मुझे कोई और कॉलेज मिल गया। तो मैंने आपको उसी दिन वीडियो बनाकर यह इन्फॉर्म किया था कि पीएनपी की ऑफिशियल नोटिस भी मैंने आपके बीच में दिखाया था कि उनके द्वारा ये चीजें कहा गया था कि जिससे आप इस फर्स्ट फेज की काउंसलिंग में चल रहे हैं, है ना, अगर कोई कॉलेज अलॉट हो गया है और आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो दोबारा से आपको 5,000 रुपये का पेमेंट करके आपको अगले काउंसलिंग में शिफ्ट हो जाना है। लेकिन समस्या इस बात की है, 5,000 रुपये की बात छोड़ दीजिए, ठीक है, समस्या इस बात की है कि 5,000 रुपया हम जमा कैसे करें। इस बात को इनसे अवगत कराया गया तो इस बात के संदर्भ में इन्होंने कुछ नहीं कहा, साफ तौर पर एक ही बात कहा कि इसके बारे में आपको updlgovernment.in की वेबसाइट पर इन्फॉर्म किया जाएगा, इसके लिए आप क्वेश्चन ना करें, ठीक है। इनका जवाब यह निकला तो मैंने भी आपसे यही कहा था कि बाबू आप updlgovernment.in की वेबसाइट के साथ साथ आप मेरे साथ भी बने रहें, ठीक है, आप सबसे पहले वेबसाइट पर विजिट किया करें, वहाँ से जो भी चीजें रहेंगी पहले वहां पर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, बाद में हम आपको सूचित करेंगे, ठीक है, पहले तो वहां आएंगे उसके बाद हम आपको बताएंगे। इसके लिए आप परेशान मत होइएगा, 100% अगर आप अपने कॉलेज से संतुष्ट नहीं तो आज नहीं तो कल आपको परिवर्तन का मौका मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि चलिए संशय हो रहा होगा कि पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है आप चुपचाप जाकर वहीं एडमिशन ले लीजिए, नाजायज का 5,000 रुपया नुकसान करने का कोई मतलब नहीं, बाकी अदरवाइज आपकी इच्छाएं, ठीक है, आप वेट कर सकते हैं। यहां 5,000 का पेमेंट कट गया, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसके संदर्भ में इनसे पूछा गया कि महोदय 5,000 रुपये का पेमेंट बच्चों का कट जा रहा है लेकिन कॉलेज लॉक या कहा जाए चॉइस फिलिंग का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो इन्होंने सिर्फ एक ही बात को कहा कि वेबसाइट की समस्या है, NIC को प्रेषित किया गया है, वेबसाइट की समस्या बहुत जल्द से जल्द सॉल्व होगी। अब जल्द से जल्द आज सॉल्व होगी कि 4 दिन बाद सॉल्व होगी इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, ठीक है। मैंने आपसे कहा महज
से 3 मिनट का वक्त मिला था, कहीं जा रहे थे, ठीक है, बीच में ये बातें हुई हैं। चलिए इतना चीज़ें आप समझ गए। फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आपको लग रहा है जैसे अगर 5000 रुपये का पेमेंट आपका कट गया है, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप भैया रात वत में ट्राई करिएगा, हो सकता है ऑप्शन आ जाए। जैसे आप रात में जग कर फॉर्म को अप्लाई किए थे, सेम वही कंडीशन फिर एक बार आपके बीच में आ पड़ी है, ठीक है। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, रात में थोड़ा सा जग लीजिए, देख लीजिए हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। नहीं होगा तब भी आप मुझे अवगत कराइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ रिजेक्ट फॉर्म वालों को इसके संदर्भ में भी बात किया गया। ये 3 मुद्दे थे जो पूछा गया, बाकी फाइनली आपके ये कंफ्यूजन है, ठीक है। रिजेक्ट फॉर्म वालों का क्या होगा? देखिए जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है या रिजेक्ट हो रहा है, उनसे पहले 5000 रुपये का पेमेंट कराया जा रहा है। इनसे इस बात को पूछा गया कि महोदय अगर आपको फॉर्म रिजेक्ट ही करना है तो ये 5000 रुपये का पेमेंट आप काहे को ले रहे हैं। इसके संदर्भ में एक भी बात उन्होंने नहीं कहा, है ना, इसके संदर्भ में उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो हम भी इसके संदर्भ में नहीं कह सकते, बहरहाल इसका विरोध हम भी करते हैं। जाहिर सी बात है 5000 रुपये ये नाजायज़ लिया जा रहा है। अगर फॉर्म आपको रिजेक्ट ही करना है तो आप पहले से ही कर दीजिए, 5000 रुपया आप काहे को ले रहे हैं, ठीक है। बच्चे वैसे भी परेशान हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। रिजेक्ट का मतलब जैसे उनका काउंसलिंग का ऑप्शन ही नहीं खुल रहा है, तमाम इनवैलिड रोल नंबर ऐसे ऐसे चीज़ें लिख कर आ रही हैं, ठीक है। तो अभी आपने देखा जब 1 से 20 हज़ार रैंक तक चल रही थी तो उसमें 450 अभ्यर्थियों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ। इस समय जो है 20,000 से 80,000 तक की काउंसलिंग चल रही है, देखना यह है कि इसमें कितने लोगों का फॉर्म रिजेक्ट होता है, ठीक है। बहरहाल यहाँ जो 5000 रुपये इनका कट रहा है और इनका फॉर्म भी रिजेक्ट हो रहा है, ये अगर चाहें कि हम ये 5000 रुपये रिफंड करवा लें तो बिल्कुल ये संभव नहीं है, ठीक है। आपकी इच्छाएं हैं, अगर आपको लगता है, मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही आईडी पर कई आवेदन हो चुके हैं तो उसमें पहला आवेदन जो है वही आपका सही माना जाएगा, बाकी पहले के अलावा जितने भी आवेदन हुए रहेंगे वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ये अधिकतर साइबर कैफ वालों को देखने पर मिला है, जैसे आपने जहां फॉर्म अप्लाई किया होगा, ठीक है, खुदा न खास्ता वो हो सकता है अपने ईमेल अपना फोन नंबर डाल दिए होंगे। ऐसी समस्याएं देखने को बहुत ज्यादा मिले, ठीक है। तो हो सकता है आप इसी का शिकार हुए हों। बहरहाल मैं फिर भी कहूंगा कि आप जो है डायरेक्ट एडमिशन तक इंतजार करिएगा, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन में क्या कुछ चांसेस, इसके संदर्भ में फिर से एक बार अवगत कराया जाएगा कि महोदय आप 5000 रुपया ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है इन बच्चों को आप डायरेक्ट एडमिशन में मौका दे दीजिए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं लीगल है ना, लेकिन मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। मैंने आपसे कहा था इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को आप टैग करिए, ठीक है, कि यहां 5000 रुपया हमसे वसूला जा रहा है, ये ठगबाजी है, है ना। 5000 रुपये वसूला जा रहा है फिर भी मेरा फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है, आखिरकार क्यों? अगर रिजेक्ट ही करना है तो 5000 रुपये किस बात का फॉर्म रिजेक्ट करने का ले रहे हैं, ठीक है, ये गलत है। बहरहाल चलिए आगे इसके संदर्भ में अब बात करते हैं कॉलेज से मिल रहा डायरेक्ट एडमिशन का ऑफर। देखिए कुछ कॉलेज वाले ऐसे हैं, अभी मेरे पास शाम को एक कॉल आया था, उन्होंने कहा कि कॉलेज वाले मुझे बुला रहे हैं डायरेक्ट एडमिशन करने के लिए। मैंने आपको बार बार यही कहा है यार कि डायरेक्ट एडमिशन अभी नहीं हो रहा, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन जब फर्स्ट फेज काउंसलिंग और सेकंड फेज काउंसलिंग आपकी समाप्त हो जाएगी, फाइनली जितनी सीटें बचेंगी उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन कराया जाएगा। अब ही कौन डायरेक्ट एडमिशन, ठीक है, आप कहीं किसी भी विद्यालय के चक्कर में मत पड़िएगा, आप खुद काउंसलिंग कराइए, खुद काउंसलिंग कराकर आप जहां चाह रहे हैं उसी विद्यालय में जाइए, ठीक, उसी विद्यालय में जाइए, लेकिन आप किसी कॉलेज के चक्कर में मत पड़िए। मैं तो यही कहूँगा, अभी डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो रहा। अगर आप अपना डॉक्यूमेंट ले जाकर उनके पास सबमिट करते हैं, जो प्रक्रिया आप करेंगे वही प्रक्रिया आपका कॉलेज वाला भी करेगा, ठीक है। यह नहीं कि कॉलेज वालों के लिए अलग से ऑप्शन मिलता है, नहीं, जो प्रक्रिया आप करेंगे वही प्रक्रिया वो कॉलेज वाले भी करते हैं, तो आप क्यों नहीं आप खुद कर सकते हैं। इसके लिए आप उन्हें 1 रुपया मत दीजिए, जो भी लगेगा आप स्वयं खर्च करके आप काउंसलिंग करा लीजिए। काउंसलिंग कराने के बाद जितने कॉलेज आपको चाहिए वो कॉलेज लॉक कर दीजिए, फाइनली आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं फिर आपसे कहूंगा कि आप इनके चक्कर में मत पड़िएगा। डायरेक्ट एडमिशन की जब प्रक्रिया होगी तो सबसे पहले यूपी डीएलएड की वेबसाइट पर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, उसके बाद आप चैनल पर अगर बने हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा कि भैया आप डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना है, अगर आपकी रैंक अच्छी खासी है तो आप काउंसलिंग कराइए, अन्यथा की स्थिति में आप उसके जिम्मेदार खुद होंगे, आप ले जाकर दे दीजिए, मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप कहीं गलत ना कर दें,
ये हमेशा जो है एक चीज़ दिमाग में चलता रहता है। अगर आप मेरे साथ लगातार जो है वीडियोस देख रहे हैं, तो वीडियोस देखने के बाद आप इस तरह के गलत कदम तो नहीं उठाएंगे, बहरहाल आपकी इच्छा है, ठीक है। चलिए, डीएलएड में कितनी स्कॉलरशिप आती है? स्कॉलरशिप के संदर्भ में किसी के पास कोई भी आइडिया नहीं होता है, ठीक है। रिफंडेबल शुल्क जो होती है प्राइवेट कॉलेज की, होते 41,000 रुपये होती है, लेकिन किसी किसी की 35,000 आ जाती है, 25,000 आ जाती है, 41,000 आ जाती है। ये आपकी किस्मत के ऊपर होता है कि आपकी स्कॉलरशिप कितनी आ जाए, ठीक है। ये फिक्स नहीं होता कि नहीं आपकी स्कॉलरशिप 35,000 ही आएगी, 25,000 ही आएगी, 41,000 ही आएगी, ठीक है। लेकिन नियम तो 41,000 का है। अब ये कन्फर्म नहीं कोई कह सकता कि आपकी स्कॉलरशिप कितनी आएगी, ठीक है। हाँ, किसी की आती भी नहीं है, ये भी हो सकता है। ये मैं नहीं कहूँगा कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी। हाँ, जो लोग स्कॉलरशिप बेस पर एडमिशन ले रहे हैं, वो इससे अवगत हो जाइए कि कभी कभी रेयर केस में स्कॉलरशिप नहीं आती है, खुदा न खास्ता फंड की कमी हो जाएगी ना, तो स्कॉलरशिप नहीं आएगी। और अगर आपने स्कॉलरशिप बेस पर एडमिशन लिया है तो मामला आपका फंस जाएगा। इसलिए अभी आपके पास वक्त है, आप समझ लीजिए कि महोदय आप स्कॉलरशिप बेस पर तो एडमिशन ले रहे हैं, खुदा न खास्ता अगर स्कॉलरशिप नहीं आती है तो आप क्या करेंगे, जो कहते हैं आप उसी हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये आए दिन देखने को मिलता है। आपको पता है 20,000 से 80,000 रैंक तक की काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। इस काउंसलिंग की प्रक्रिया को लेकर यह पेमेंट की चीजें आ रही है कि ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप लगातार ट्राई करते रहे कॉलेज जो है लॉक करने के लिए। अगर भैया कॉलेज नहीं लॉक करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए ट्राई करते रहें। यहां जो 20,000 से 80,000 तक काउंसलिंग चल रही है, इनका जो कॉलेज आवंटन है वो 25 सितंबर को किया जाएगा, ठीक है। 25 सितंबर को इनका कॉलेज आवंटन हो जाएगा, शाम तक रिजल्ट आ जाएगा। यहां एडमिशन कब से होगा, जैसे 1 से 20,000 जितने लोगों का एडमिशन कॉलेज अलाट हुआ है, और इसमें 25 तारीख की डेट में यानी 20,000 से 80,000 तक जितने लोगों को कॉलेज आवंटन हुआ रहेगा, उनका एडमिशन कब से होगा? उनका एडमिशन 25 सितंबर से होगा, ध्यान दीजिएगा, 25 सितंबर से एडमिशन शुरू हो जाएगा। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स लेके 25 तारीख को या 26 तारीख को, 27, 28, जब भी आपकी इच्छाएँ के, जब आपके पास पैसा हो जाए आप लेके चले जाइएगा, आप एडमिशन की प्रक्रिया में भाग लीजिएगा, ठीक है। जो उनके फीसें होंगी वो आपको देना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे थे कि जो 31,000 मुझे देना पड़ेगा, क्या एक ही बारे में देना पड़ेगा? ये आपके कॉलेज की सहूलियत पर जो है डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज आपसे किस तरह से पेश आता है। कुछ कॉलेज वाले होंगे जो पूरा का पूरा एक के बारे में लेंगे, कुछ कॉलेज वाले होंगे जो आपको वरीयता देंगे कि नहीं आप एक किस्त में, दो किस्त में दे दीजिए। ये आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉलेज वाले क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। इसके में कोई कुछ नहीं कह सकता। चलिए, यहाँ कॉलेज की खाली व भरी सीटों का विवरण हम कैसे चेक करें? ध्यान दीजिएगा, कॉलेज की खाली व कितनी सीटें खाली हैं, कितनी सीटें भर गई, कितने मेरिट तक गए, मेरिट गई है जिनका एडमिशन हो रहा है, सब कुछ का विवरण मैंने चैनल पर अपलोड किया है, ठीक है। वीडियो बनाकर मैंने विथ प्रूफ के साथ आपको दिखाया है कि भैया आप यहाँ पर क्लिक करें, ऐसे जाएं, यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए ऊपर जाएं, नीचे जाएं, सब कुछ एक एक चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख करके आप सारी खाली व वैकेंट सीटों के विवरण को देख लीजिए कि कहाँ क्या है, कैसे है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे इस वीडियो में जो है एक ब्लैक बोर्डिंग पर जो है व्हाइट बोर्ड पर इसके संदर्भ में चर्चा तो नहीं किया जा सकता कि आप इस तरह से करें, वैसे करें, मैंने मोबाइल से ही आपको बताया है आप कैसे करें, क्या करें, सब कुछ आपको वहाँ वीडियो देखने पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।